आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो, ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर, उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको इग्नोर कर कर चले जाते हो आप, उनके एक्सपेक्टेशंस है आपके चेयर पर, इमेजिन करो आप एप्रन पहने हुए हैं, आप डॉक्टर बन गई हैं, खुशी आपको नहीं होगी, खुशी आपके माँ को होगी। डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स के, जब आप कोई चीज अचीव करते हो अपनी लाइफ में, और ड्रीम होता है उनका कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। वो एक दिन नहीं सोचती है, माँ रोज खाना बनाती है ना, वो खाना बनाते वक्त में भी यही सोचती है कि मेरी बच्ची हॉस्टल में है, वहां रह करके वो खाना कैसा खा रही होगी पता नहीं, मेरे पास होती तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाती। लेकिन उसे कुछ बनना है, वो कुर्बानियां दे रही हैं, और न जाने वालिद को फी देने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, कहां कहां से पैसे बदल लेकर वो आपको पैसे दे रहे हैं, और 2-3 साल आप हॉस्टल में रह रहे हो यहां पर। आज भी माँ सोच रही होगी कि मेरी लाल, मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरी रानी क्या कर रही होगी, और आप लोग वक्त जाया कर देते हैं। 70% बच्चियां आकर हॉस्टल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली सोए पड़े होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ दाल मिल रही है। आपको दाल मिल रही है, शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग तो जो है रोड पर जो कूड़ा पड़ा है उसमें से उठा करके भी लोग खाते हैं। ऐसे भी स्लम्स में हैं बहुत सारे बच्चे। आप लोग स्लम्स में तो नहीं है, आप लोग हॉस्टल में है, आप लोग को छत है, गर्मी में फैन है, आप लोग को सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो, ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर, उनके ड्रीम्स बैठे हैं। उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको इग्नोर कर कर चले जाते हो आप, उनके एक्सपेक्टेशंस है आपके चेयर पर, और वो आप एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि अपनी माँ के ड्रीम्स को आप कुचल दिए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं? तो जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह सुबहानहू तआला आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। ये लम्हा जो कुछ बच्चियां रो रही हैं, वो क्यों रो रही हैं? वो अपनी माँ को चाहती हैं। दे लव देयर मदर्स, दे लव देयर फादर्स, दे लव देयर पेरेंट्स। उनको जरूर शाहरुख खान कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, जरूर आलिया भट्ट उनको अच्छी लगती है, लेकिन जब माँ का चेहरा आ जाता है तो आलिया फीकी हो जाती है, वालिद का चेहरा आ जाता है शाहरुख खान फीका लग जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कब होता है? जब कोई टीचर, जब कोई ट्रेनर, जब कोई वेल विशर आए आपको बताए ये चीज, वरना ये जो उम्र से आप गुजर रहे हो, ये उम्र में आप हमेशा भटक जाने की फिक्र लगती है आपको, गलत सलत बातों में आप लोग बिजी हो जाते हैं। तो आप लोग रियलाइज करना है आज लाइफ में कि मैं मेरी माँ को कितना चाहती हूँ, मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरे डैडी ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे कितना मेहनत करना है। वो दूर है ना, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। बाप जरूर कुछ देर रह सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, कितनी भी गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो माँ सीने को लगा कर ही रखती है, और वो माँ आपको दूर भेजी है, मतलब सीने पर कितना वजन उस पर है, आप इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन बच्चों सुनो, आप लोग सिर्फ रोने के लिए नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग को रियलाइज करवाने के लिए आया हूँ। ये जो आंसू आपके आंख से बह रहे हैं आज, इन आंसुओं को आप ऐसे जाए मत जाने दो। आप खसम खाइए आज, यू टेक ए नोथ, टेक ए प्लेज टुडे कि मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगी, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएगी, माय पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने जो डिसीजन लिया मुझे अजमल फाउंडेशन के हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का, यकीन जाने जो बच्चियों के पास में फोन आज हाथ में है वो जिंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं। यंगस्टर्स, पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ बेकारी में, कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे आज। लेकिन आप लोग यहां पर आए हैं,
कई गलत चीजों से आप लोग बच रहे हैं माशाल्लाह, कई गुनाहों से आप लोग बच रहे हैं, कई गलत कामों से आप लोग बच रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आए हो क्या वो हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग मूवीज नहीं जा रहे हैं, बहुत गलत काम से आप बचे हैं। आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो, गलत काम से आप बच गए। आप पार्कों में जाकर नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से बच गए। आप होटल में जाकर बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से आप बच गए। लेकिन सिर्फ गलत काम से बचने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कुछ हासिल करने के लिए आए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए आपको डिटरमिन होना पड़ेगा। आज ही फैसला करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप लोग कुछ यहाँ पर एक साल के लिए हो, कुछ लोग दो साल के लिए हो, कुछ लोग तीन साल के लिए हो, वो कैसे गुजारने वाले हैं? यू हैव टू टेक ए प्लेज टूडे, यू हैव टू प्रोमिस योर सेल्फ टूडे दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई लाइफ। ये जो उम्र है आप लोग की, यकीन जाने ये गोल्डन पीरियड होता है। ये लड़कियां जो फेज से गुजर रहे हो ना, ये PHASE फेज, ये गोल्डन पीरियड वाला फेज है। इसमें अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, इवन योर पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प यू। जितना पैसा है उतना आप पर खर्चेंगे, उसके बाद वो भी ड्राई अप हो जाएगा, उनका भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, उसके बाद आपका दर्द देखकर वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे। उनके पास पैसे नहीं रहेंगे इलाज कराने के लिए, आप परेशान फिर वो परेशान, आपके परेशानी को देखकर नए नए किस्म की बीमारियां आ जाती हैं अपने पेरेंट्स को। क्या आप ऐसे परेशान करने के लिए पैदा हुए? आज बहुत सारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी नॉर्मल होता है बच्चों की वजह से 240 हो जाता है ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल होता है, अचानक यंग 30-year-old एक माँ होती है या 40-year-old एक माँ होती है, बच्चों की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थायराइड आ गया, सोच सोच कर बच्चों को लेकर इतना परेशान पेरेंट्स। और आप लोग को यहाँ हॉस्टल में अगर भेजे हैं तो आप लोग मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पैसे जाया करने के लिए भेजे हैं? आपके जिंदगी को तबाह करने के लिए भेजे हैं? एक एक दिन उनके ख्वाब एसोसिएटेड हैं आपके यहाँ बैठने के। यहाँ जो आप बैठे हो ना, वो लोग सोचते हैं हर दिन कि ये दो साल कब गुजर जाएंगे, ये तीन साल कब गुजर जाएंगे। जब आप आ रहे होते ना, छुट्टियां होती हैं आपके, आप जाकर देखिए उनकी आंखों में खुशी कैसी होती है। मेरी बेटी जब आती है घर को, वो फेवरेट सालन बनाने की कोशिश में लगी रहती है, वो आपका फेवरेट क्या खाना है वो खाना बनाती है आपको, और इतना प्यार करने वाले आपको दुनिया में कोई नहीं मिलते हैं, ये आप बखूब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका एक छोटा विश है कि आप कामयाब हो जाएं। उसमें भी वो सेल्फिश नहीं है, उनके लिए नहीं चाहती है। योर मदर, योर फादर, योर पेरेंट्स नेवर वॉन्ट टू लिव इन ए बिग बंगलो, बट दे लव टू सी यू लिव इन ए वेरी बिग बंगलो। योर पेरेंट्स नेवर वॉन्ट टू बी ड्रिवन इन ए मर्सिडीज बेंज, कोई मर्सिडीज बेंज में बैठकर जो है घूमने का शौक नहीं है, बट दे वॉन्ट टू सी देर गुड़िया, देर रानी टू बाई अ न्यू कार। तो यहां आप लोग जो बच्चे रो रो कर आंसू आज बहाए हैं, ये आंसुओं को ऐसे ही जाय करोगे? या आप लोग प्रॉमिस करोगे अपने लाइफ में कि यहां से मैं वापस जब जाऊंगी घर, कुछ बनकर जाऊंगी, मैं ऐसे ही यहां पर नहीं हूं, आई एम हियर टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ, आई एम बॉर्न टू डू वंडर्स इन माई लाइफ। आप एक एक अनमोल रतन है, एक एक इंडिविजुअल ये जो हॉल में बैठे हैं ना, यू आर प्राइसलेस, आपकी कीमत कोई नहीं लगा सकता।